एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 3, जो कि हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है होता क्या है, देखो, जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है ना, उसी को ही हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है क्या, होती है सेल होती है। और जो नंबर ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और नंबर ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और नंबर ऑफ सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा ऑल ओवर बॉडी का प्रोसेस होता है। और हमारे बॉडी की सबसे छोटी और सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल। क्लियर? तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनसे मिलकर क्या बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। अब आप कहोगे कि मैम, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? देखो, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके जैसे कि नोज़, जिसके मतलब जो जो चीज़ें आप अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं। क्लियर? फर्स्ट है जैसे कि हमारी नोज़, लंग्स हो गए, विंड पाइप हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और इन सब से मिलकर ही बना होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए रेस्पिरेशन है क्या, तो आप कहेंगे कि मैम, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना जो है, यही हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। पर ये चीज़ ना एक तरीके से गलत है, बिकॉज़ क्या आप ऑक्सीजन लेते हैं, क्या आप ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्या ये राइट है? तो आप क्या लेते हैं, आप ऑक्सीजन नहीं, आप एयर इनहेल करते हैं। आप अपनी बॉडी में एयर को लेते हैं और उसके बाद ऑल ओवर सारे प्रोसेस के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिड्यूस कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने एयर क्यों बोला? देखो, आप एनवायरनमेंट में जो है सांस लेते हैं, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, एयर क्या होता है, नंबर ऑफ़ गैसेस का मिक्सचर होता है। आपने ये पढ़ रखा है कि जो हमारा एयर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ऑल ओवर बहुत सारी गैसेस जो है हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो आप एयर को अपनी बॉडी में लेते हैं, देन लेते किसके थ्रू है, नोज़ के थ्रू लेते हैं। देन उसके बाद वो विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रैकिया या फिर ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर? देन उसके बाद क्या है, वो जो है लंग्स में जाती है, देन उसके बाद ब्लड में। ठीक है? और जो ऑक्सीजन, मतलब ऑल ओवर इन सारी चीज़ों में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो जब वो ऑक्सीजन, अब आप कहोगे कि मेनली हम हर बारी ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेना, इनहेल करना, कि क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की? तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत ये है कि जो हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर? और ऑक्सीजन जो हमारा O2 के फॉर्म में होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो ये मेनली जो ये हमारा ग्लूकोज है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। दैट मीन्स ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब आप कहोगे कि मैम, यहाँ पर एनर्जी तो है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, पर यहाँ पर ATP एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर? जो हमारी एनर्जी होती है, वो नंबर ऑफ फॉर्म ATP होते हैं। ATP क्या होता है, ATP होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर? अब देखो, ये क्या होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, जो हमारी एनर्जी के फॉर्म में ATP होते हैं, ये हमारे स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये हमारे स्टोर होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि व्हाट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो है हमारी ये जो हमारी एनर्जी है, वो स्टोर होती है किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और इसी के थ्रू देखो, जिस तरीके से हमारी एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है ना, एयर जो नोज़ में आई, देन विंड पाइप में, देन लंग्स में, देन ब्लड में, उसी तरीके से ऑल ओवर सारा प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। क्लियर? इन्हीं सारे प्रोसेस के थ्रू। तो चलिए आगे अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं।
देखो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन से जो हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, या उनके पास कौन सा पार्ट होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे फास्ट है लंग्स। लंग्स से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है, तो फास्ट है एनिमल्स। एनिमल्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और हम ह्यूमन बींग्स भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, पर फ्रॉग के में कंडीशन आ गई कि अगर वो अर्थ पे होगा तो ही वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, अदरवाइज लंग्स के थ्रू वो नहीं करेगा, क्लियर। और जो आपके फिश होते हैं, फिश के पास लंग्स नहीं होते हैं, इसलिए वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उनके पास रेस्पिरेटरी का मेन ऑर्गन जो है वो क्या है, गिल्स है। और जो आपके फ्रॉग हैं, देखो मैंने आपके पहले आपको एक कंसेप्ट बताया था कि फ्रॉग अगर अर्थ पे होगा तो लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा, बट अगर वो वाटर के अंदर होता है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, क्लियर। और जो हमारे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म मतलब होता है केचुए, जो कि किससे रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी त्वचा के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद है प्लांट। प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ऑल ओवर स्टोमेटा के बारे में आपको डिफाइन कर दूंगी। द नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट और कॉकरोच, ये दोनों जो है रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, दैट मीन्स विंड पाइप के थ्रू। इनके पास ना तो लंग्स होते हैं, ना ही गिल्स होते हैं, ना ही स्टोमेटा पोर्स होते हैं, इनके पास ये कुछ नहीं होते। वैसे मेनली स्टोमेटा पोर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास होते हैं, तो इनके पास ना तो गिल्स होते हैं, ना ही लंग्स होते हैं इंसेक्ट और कॉकरोच के पास, इसीलिए वो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्लियर। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, की कितने टाइप के रेस्पिरेशन हमारे होते हैं। तो जो हमारे रेस्पिरेशन हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। अब देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये वही है मेन जो आपने पहले अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें होती है ग्लूकोज को तोड़ने में, और ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। एटीपी हमारी एनर्जी होती है जो कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और जो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है ना, कितने मॉलिक्यूल बनती है, कई बार ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो हमारी जो एनर्जी बनती है कितनी बनती है, 38 मॉलिक्यूल बनती है, क्लियर। और ये जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और रेप्टाइल्स में होता है। रेप्टाइल्स होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े, क्लियर। देन उसके बाद है क्या, जो हमारा CO2 के एब्सेंस में होती है उसे हम क्या कहते हैं। CO2 के एब्सेंस में जो हमारी होती है, जो हमारी CO2 की एब्सेंस में होती है वो कौन सी है, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, और इसमें जो है क्या बनता है, इसमें बनता है, इसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उन बॉडी के अंदर, और वो टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, इथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, और ATP। पर इनकी कंडीशन में जो ATP है ना, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बनती है। और ऐसी रेस्पिरेशन होती किन में है, तो ये रेस्पिरेशन हमारी होती है किसमें, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ओनली सिंगल सेल होती है। कैसी सेल होती है, ओनली सिंगल सेल होती है, और उसी से ही वो ऑल ओवर पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। इसके एग्जांपल है जैसे एल्गी हो गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं। देन बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सारे जो रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर होता है, इनकी बॉडी में होता है। देन नेक्स्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, और आप अपनी कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए कि किस किस तरीके से रेस्पिरेशन, दैट मीन्स एयर, हमारी बॉडी में एंटर करती है, क्लियर। और इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जिनके जिनसे मिलकर बना है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, नोज़। आप जानते हैं हमारी नोज़ के थ्रू ही मेनली रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। जो हम एयर को अपने बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, ये हमारा नोज़ से स्टार्ट होता है और नोज़ पर ही ख़त्म होता है, क्लियर। देन उसके बाद है, हमारी नोज़ में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इन हेयर को कहते हैं नोज़ियल हेयर, क्लियर।
इन हेयर को नोजल हेयर कहते हैं और साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं सीलिया। साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं इसको सीलिया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नोज की हेयर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं सीलिया। क्लियर। उसके बाद हमारी नोज में कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से एक वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को नोजल वाटर कहते हैं वैसे तो, पर साइंस की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं म्यूकस। क्लियर। इसे हम कहते हैं म्यूकस। देन सेकेंड है हमारा क्या, फेरनेक्स। क्या होता है फेरनेक्स? आपका होता है जो कि नोज वाले पाइप को और माउथ वाले पाइप को कंबाइन करने का काम करता है। क्लियर। जो नोज के पाइप को और माउथ के पाइप को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं फेरनेक्स। क्लियर दोनों चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस क्या होता है, थर्ड पॉइंट है ये हमारा। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस एक तरीके से स्विच होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस मेनली फूड पाइप और विंड पाइप को डिवाइड करने का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको फर्स्ट अभी बताया था ना, माउथ और नोज़ वाला, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, ये जो है आपका नोज़ वाला पार्ट है, ये आपका माउथ वाला पार्ट है। इन दोनों को जोड़ा किसने जोड़ा? फेरनेक्स से जोड़ा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। देन जोड़ने के बाद ये विंड पाइप और किसमें, फूड पाइप में डिवाइड हो जाते हैं। ये येल्लो वाली विंड पाइप फूड पाइप के लिए मैंने आपको शो करी है। देन जो ये ऑरेंज वाली है वो विंड पाइप है। क्लियर। और ये जो वाइट कलर का है ये ढक्कन जैसा होता है, स्विच भी इसको कहते हैं। इसका जो है, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। क्लियर। ये जो एपिग्लॉटिस है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है एक तरीके से। और ये क्या करता है, देखो ये ना हमारी विंड पाइप और फूड पाइप को जो है डिवाइड करता है। किस तरीके से डिवाइड करता है, देखो ये ना मेनली हमारी फूड पाइप के ऊपर होता है ये ढक्कन। कहाँ होता है? फूड पाइप की तरफ होता है एपिग्लॉटिस, क्योंकि हम एनी टाइम फूड नहीं खा रहे होते हैं, है ना। एनी टाइम हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, मेनली रेस्पिरेशन होता रहता है हमारी बॉडी में। तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो कहाँ होता है? फूड पाइप के ऊपर होता है, ताकि जो हमारी सांस है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर पाए। क्लियर। और उसके बाद जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ढक्कन, ये एपिग्लॉटिस स्विच जो है कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है इधर के साइड, दैट मीन्स विंड पाइप की तरफ। इसी वजह से कहते हैं कि खाना खाते टाइम जो है बोलना नहीं चाहिए, और या फिर कुछ कहना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारे फूड पाइप है ना वो कहाँ चले जाएंगे? विंड पाइप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और जिससे हमारी विंड पाइप में खाना अटकने की वजह से डेथ भी हो सकती है। क्लियर। और जो हमारी विंड पाइप है ये कहाँ ले जाती है हमारे खाने, सॉरी एयर को? विंड पाइप जो है हमारी एयर को ले जाने का काम करती है लंग्स में, और जो हमारी फूड पाइप है वो हमारे खाने को ले जाती है माउथ से कहाँ? स्टमच में। क्लियर। देन उसके बाद है विंड पाइप। विंड पाइप होती क्या है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विंड पाइप को हम ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं। तो जो हमारी विंड पाइप है, दैट मीन्स ये पूरी ही जो पाइप दिख रही है, ये वाली पूरी जो पाइप है ये विंड पाइप का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये जस्ट एपिग्लॉटिस के नीचे होता है, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस के नीचे होता है, और एपिग्लॉटिस के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है क्या, लैरिनेक्स प्रेजेंट होता है। लैरिनेक्स को हम वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड भी कहते हैं लैरिनेक्स को। और इसके ऊपर ना एक मसल होती है, ये जो मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनाई है ये क्या है, एक मसल होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं एडम्स एप्पल। इसी को ही क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार गले के पास ना एक उठा हुआ सा पार्ट होता है ना, गले के पास एक उठा हुआ पार्ट होता है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं, और ये ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, बॉयज़ में या फिर जो हमारे मैन होते हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है, फीमेल्स या फिर जो गर्ल्स हैं उनमें ये नहीं होता है। क्लियर। और ये विंड पाइप के ही पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसमें मेन चीज़ें देख लो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा जो ये लंग्स है ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये तो आपको पता चल गया। देन इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है पिंक होता है। और इसकी स्टडी को, दैट मीन्स लंग्स की स्टडी को हम कहते हैं प्लमोनोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लमोनोलॉजी, इसकी स्टडी को कहते हैं। और हमारे लंग्स के ऊपर ना एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और इसका जो वेट है 1.3 kg होता है।
जो हमारे लंग्स हैं वो सेकेंड हाईएस्ट वेटेज ऑर्गन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है हमारा लीवर होता है, जो 1.7 समथिंग होता है, और जो हमारे लीवर ये लंग्स हैं वो 1.3 केजी समथिंग होते हैं, और यही मेनली सेकेंड हाईएस्ट वेटेज ऑर्गन है हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लंग्स के जो है पार्ट डिस्कस कर देती हूँ। देखो, आपने अभी लैरिनेक्स पढ़ा था, लैरिनेक्स की लैरिनेक्स को वॉइस बॉक्स या फिर क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक मस्कुलर एक ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये जो मस्कुलर लेयर होती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज की, ये हमारी लेयर होती है। देन उसके नीचे होता है हमारा क्या, ट्रैकिया, दैट मीन्स विंड पाइप या फिर ट्रैकल ट्यूब जिसको कहते हैं। और ये जो विंड पाइप है, देखो ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लंग्स हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रख लो, ये जो हमारा राइट लंग है और ये कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग है, क्लियर। और जो राइट लंग है वो बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग जो है वो क्या होता है, वो छोटा होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये छोटा क्यों होता है, बिकॉज ये छोटा होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ये गहरा सा गड्ढा दिखाया है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। वैसे तो हमारा हार्ट सेंटर में होता है, पर वो हल्का सा झुका हुआ होता है लेफ़्ट लंग की तरफ, जिस वजह से हम कह देते हैं हमारा जो हार्ट है वो कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, क्लियर। देन इसके बाद इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए। पहला तो लेफ़्ट लंग और राइट लंग, ये आपको इजीली शो हो रहा होगा। देन उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर लेयर देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर की लेयर, ये वही लेयर है जो मैंने आपको बताया था, पतली से झिल्ली होती है, पतली से मेम्ब्रेन होती है हमारे लंग्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, क्लियर। और ये जो हल्का सा गड्ढा मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, उस गड्ढे को कहते हैं क्या, कार्डियक नॉट, क्या कहते हैं, कार्डियक नॉट कहते हैं। देन उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डायाफ्राम। डायाफ्राम होता क्या है, आप कहोगे हमने तो कभी सुना ही नहीं आज तक डायाफ्राम होता क्या है। तो जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। डायाफ्राम जस्ट लंग्स के नीचे होता है और ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप बहुत ज़्यादा भागते हैं या फिर थक जाते हैं, तो जो आपके जो सांसें हैं बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होने चालू हो जाती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, वो डायाफ्राम इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। देन इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो कि जो हमारी ट्रैकल ट्यूब है वो डिवाइड किस तरीके से होती है। फर्स्ट, ये हमारी ट्रैकल ट्यूब दो पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट डिवीज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारी लंग्स की ट्रैकल ट्यूब है वो डिवाइड होती है, किस तरीके से डिवाइड होती है। तो जो सबसे पहला इसका डिवीज़न है वो क्या है, सबसे पहला डिवीज़न है उसको कहते हैं ब्रोंकाई। देन ये सेकेंड नंबर पे इधर ये डिवाइड हो गई, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जब ये डिवाइड हुई उसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स, क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं सेकेंड नंबर वाले डिवीज़न को। देन उसके बाद जब ये लास्ट में डिवीज़न होता है ना, देखो लास्ट वाले पार्ट में जब ये डिवीज़न हुआ, लास्ट वाले पार्ट में जब ये डिवीज़न हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे करके ना, यहाँ पर बबल्स जैसे आ जाते हैं, और ये जो बबल्स जैसे आ जाते हैं ना, लास्ट में बबल्स जैसे शेप बना लेते हैं एंड जब डिवीज़न होता है, जिसको हम कहते हैं टर्सरी डिवीज़न, और इसको जो है साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं एवोली, क्या कहते हैं, एवोली कहते हैं इसको। और ये हमारा ऑल ओवर लंग्स का प्रोसेस है। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं एक बार शुरू से डिस्कस कर देती हूँ क्या कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे ऑक्सीजन की, जो हम एयर को अपने बॉडी में लेते हैं, एयर इन करते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। और ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, सबसे पहले एयर हमारी नोज़ में जाती है, देन विंड पाइप में जाती है, देन लंग्स में, फिर ब्लड में, और इसी के थ्रू ऑल ओवर सारा प्रोसेस होके कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी होती है हमारी एनर्जी, जो कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हमारे जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स और फ्रॉग जब अर्थ पे होता है तो ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और जो फिश होते हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। फ्रॉग जब वाटर के अंदर होता है, और जो अर्थवॉर्म दैट मीन्स केचुए होते हैं, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट जो है स्टोमेटा पोर्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इंसेक्ट जो है और कॉकरोच है, वो ट्रैकल ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारे जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एटीपी के फॉर्म में, और यहाँ पर जो एटीपी होती है वो 38 मॉलिक्यूल्स होती हैं, और ये जो एटीपी है ना एनर्जी, यही हमारी काम करने में खर्च होती है और इन्हीं एटीपी की ज़रूरत हमें हर काम को करने में पड़ती है, जो धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है बिना ऑक्सीजन के किसमें, एथेनोइक एसिड और लैक्टिक एसिड और मैथेनोइक एसिड में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। यहाँ पर जो एटीपी एनर्जी बनती है वो ओनली 2 मॉलिक्यूल बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स, एनिमल और रेप्टाइल्स में होता है। रेप्टाइल्स होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े, और एरोबिक रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के अंदर होता है। देन हमारी नोज के अंदर हम एयर को लेते हैं, देन आउट भी नोज से ही करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे नोज में जो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सीलिया, जो मेनली ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। देन जो हमारी नोज़ में कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के बाद हमारी नोज़ में से एक वाटर रिलीज होने लग जाता है, उस वाटर को नोजल वाटर कहते हैं, और साइंस की लैंग्वेज में हम इसे म्यूकस कहते हैं। फेरनेक्स होता है जो नोज़ और माउथ की जो पाइप है उसको मिलाने का काम करता है। देन उसके बाद हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक तरीके से स्विच होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, जो कि हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या करती है, ये हमारी मेनली फूड पाइप की तरफ होती है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, एयर को अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, और बाद में जब हम खाना खाते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ये विंड पाइप की तरफ चला जाता है, ताकि हमारा खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। देन उसके बाद जो हमारा विंड पाइप है उसी के ऊपर हमारा लैरिंजेक्स होता है। लैरिंजेक्स एक वॉइस बॉक्स होता है, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं अदर लैंग्वेज में, और इसके ऊपर एक जो है झिल्ली होती है कार्टिलेज की बनी हुई, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और ये एडम्स एप्पल मेनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्या, लंग्स। लंग्स हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और ये पिंक कलर के होते हैं, इनके स्टडी को प्लमोनोलॉजी कहते हैं, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और जो वेट होता है लंग्स का कितना होता है, 1.3 kg होता है। ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट वेटेज ऑर्गन है, फर्स्ट पे लीवर आता है, सेकेंड पे लंग्स आते हैं। देन ये जो हमारा है ये डायग्राम है, इसमें जो है यहाँ पर हमारा लेफ्ट लंग जो है छोटा होता है, राइट लंग जो है बड़ा होता है, और जो हमारी इसमें एक नॉट होता है, दैट मीन्स लेफ्ट लंग छोटा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमारा हार्ट आ जाता है। हार्ट वैसे सेंटर में होता है पर हल्का सा वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, और ये जहाँ पर ये छोटा सा गड्ढा है जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है उसको कार्डियल नॉट कहते हैं, कार्डियक नॉट इसको कहते हैं। और ये जो हमारी फर्स्ट डिवीज़न होती है ट्रैकल ट्यूब की, उसको कहते हैं ब्रोंकाइज। सेकंड डिवीज़न को ब्रोंक्योल्स, और थर्ड डिवीज़न को एलोवली कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आप हमें जो है टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर ऑल ओवर सारा कंटेंट आपको एक साथ प्रोवाइड हो सकता है। आप जो है जीमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्टडी फॉर यू के नाम से। देन हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ पर है, वो है wordpress.com पे, और इसकी जो लिंक है वो onlinestudy.wordpress.com है। आप किसी के भी थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑल ओवर सारा कंटेंट एक साथ प्रोवाइड हो जाएगा। देन PDF भी आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड है, और जो हमारी लिंक है वेबसाइट लिंक वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए और हर एक वीडियो के जो है अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।